कोविड-19 को लेकर जहां स्वास्थ्य महकमा काफी अलर्ट है, वहीं देपालपुर अस्पताल व्यवस्था का शिकार होकर लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी के लिए दिन मुकर कर रखे हैं, लेकिन यहां के सरकारी अस्पताल की खून पेशाब तथा एड्स की जाँच करने वाली लैब विगत 3 दिनों से बंद है। देपालपुर अस्पताल में गर्भवती महिलाएं जांचों के लिए काफी परेशान हो रही है। पीड़ित महिलाएं जांच के लिए अस्पताल के चक्कर काट रही है, लेकिन यहां किसी भी डॉक्टर के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। आपको बता दें कि इसी सरकारी अस्पताल में महिलाओं की डिलीवरी कराई जाती है, लेकिन जच्चा बच्चा के वार्ड तथा शौचालय गंदगी से पीट है। शौचालयों में पानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री चिंटू वर्मा अस्पताल पहुंचे तो वह भी अस्पताल की अव्यवस्था देखकर कहने लगे कि यहां का सरकारी अस्पताल भगवान भरोसे ही चल रहा है। देपालपुर एग्जाम को सूचना दी, वे मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को फोन पर जमकर डांट लगाई। आखिर एसडीएम ने पंचनामा बनाकर उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजने की बात कही है। आज जो आप देपालपुर के जो सरकारी अस्पताल में किस लिए आए हैं आप? जांच कराने के लिए। आज 2 दिन हो गए आते आते, कोई एग्जाम नहीं हो रही। कल बस सोनोग्राफी हुई थी, उसके बाद में जांच नहीं हो रही। वापस उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। पर्चा बना, चिट्ठी बना के दे दी, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। पूछ रहे हैं भैया कितना टाइम लगेगा डॉक्टर ने के आने में, तो कोई बता ही नहीं। आपका नाम? रोशन जहां। रोशन जहां। रोशन जहां, ठीक है। कहां रहते हैं? हसनाबाद में रहते हैं ना। चलो ठीक। सोनोग्राफी कर रहे हैं और एक आयुष के डॉक्टर मौजूद मिले हैं, अन्य जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं हैं। मैंने अभी पीएमओ से बात की है, उन्होंने ये बताया है कि वो स्वयं बेटवा जा रही हैं और 3 अन्य जो डॉक्टर हैं पैनल में पीएम करने के लिए गौतमपुरा गए हैं। मैं इसको तहकीकात करूँगा और डॉक्टर्स यदि समय पर नहीं आ रहे हैं तो इनके विरुद्ध कार्रवाई भी निश्चित रूप से। लैब के जो टेक्नीशियन हैं वो ट्रेनिंग के लिए गए हैं और यहाँ पे इस प्रकार की सूचना प्रदर्शित की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई है। और ये लैब्स है जिसके लिए अभी मैंने पीएमओ को बताया है कि इस तरीके की त्रुटि भविष्य में नहीं होनी चाहिए। ये सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने का दायित्व हम सभी का है। अभी हमने कुछ महिलाओं से भी अनुरोध किया है कि वो डिस्टेंस बनाएं और हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि और ये भी हैं, उन्होंने भी उनसे अनुरोध किया है। तो सभी का ये दायित्व है कि वो डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जो अस्पताल के स्टाफ हैं उनको गाइड करना होगा और लोग स्वयं अगर डिस्टेंसिंग करते हैं तो ये आदर्श स्थिति होगी और ऐसा करना ही होगा। इस बारे में लोगों को अवेयर और जागरूक होने की भी ज़रूरत है। ऐसी कोई शिकायत मुझे मिलती है तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन करके उसके जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सोनोग्राफी का जो विषय था, सोनोग्राफी अब होने लगी है। सोनोग्राफियाँ कल कुछ छूट गई थी, कुछ शिकायत आई थी, तो इसीलिए आज सुबह 10:30 बजे यहाँ आकर देखा कि डॉक्टर बहुत से अनुपस्थित पाए गए, तो हमने एसडीएम साहब से अनुरोध किया कि आप निरीक्षण करें। एसडीएम साहब ने भी निरीक्षण किया। बीओ मैडम यहाँ पर उपस्थित, बीओ मैडम सहित बहुत से डॉक्टर यहाँ पर अब्सेंट हैं और गर्भवती महिलाओं की जाँच, खून पेशाब की जाँच, जो 3-4 हज़ार की जाँचें प्राइवेट लेबोरेटरी वाले करते हैं वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है, और एक्सरे, टीवी की जांच, जैसी बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो हमारा प्रयास है कि सभी से चर्चा करके एक सप्ताह के अंदर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का हम प्रयास करेंगे। कोई जब बड़ी बीमारी होती है तो उसको सुधरने में टाइम लगता है और देपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कई वर्षों से बीमार है, पीड़ित है, तो इसलिए इसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। और मैं समझता हूँ कि इसका पूर्णतः ठीक उस दिन होगा जिस दिन देपालपुर का सामुदायिक हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल हो जाएगा। हमारे पूर्व विधायक मनोज पटेल जी, सांसद शंकर ललवानी जी, संभागीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान से भी हमने मांग की है कि देपालपुर में सिविल हॉस्पिटल बनाया जाए। मुझे उम्मीद है कि जल्दी अच्छे इसके परिणाम आएंगे। चिंटू वर्मा जिला देपालपुर से, दीपक सेन की रिपोर्ट।